अद्विकास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के मंगोड़े। मंगोड़ों को हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले हमें चटनी बनानी है। उसके लिए हमें धनिया पत्ती चाहिए, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, दो हरी मिर्च और एक टमाटर। सारी चीज़ों को हम कट कर लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो। इसे हम मिक्सी के जार में रखेंगे। देखिए, हम टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नमक और जीरा सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, हमने इसे पीस लिया है। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल के रख देंगे ताकि हमें सर्व करने में आसानी हो। अब हमें मंगोड़ों बनाने की तैयारी करनी है तो हमें 100 ग्राम मूंग दाल लेंगे। इसे हम अच्छे से धो लेंगे पानी से साफ, और इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारी दाल फूल कर तैयार है। अच्छे से फूली हुई है दाल। इसे हम पीस लेंगे अच्छे से। इसका पेस्ट थोड़ा हम गाढ़ा रखते हैं। देखिए, हमारा पेस्ट तैयार है। इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा नमक अच्छे से मिल जाए पेस्ट में। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल लिया है। चम्मच की सहायता से हम मंगोड़े डालेंगे और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होते तक के रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। देखिए, हमारे मंगोड़े अच्छे से पक चुके हैं। देखिए, काफ़ी अच्छे फूले हुए हैं। इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल के रख देंगे चटनी के साथ। देखिए, हमने प्लेट में निकाल के रख लिया है चटनी और मंगोड़े। काफ़ी मंगोड़े फूले हुए हैं, सर्व करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।